आरोपी के पिता ने किया बड़ा खुलासा। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, श्रेया के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहला आरोपी का नाम है राकेश कुमार सिंह और दूसरे आरोपी का नाम है धर्मेंद्र कुमार सिंह, जो कि ये दोनों सगे भाई हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने श्रेया के साथ गलत किया, गलत करके गला दबाकर इंद्रपुरी नहर में फेंक दिया और बहुत ही काफ़ी छानबीन के बाद इन दोनों को पुलिस ने 18 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन दोनों आरोपी के पिता का कहना ये है कि मेरा बेटा गलत नहीं किया है। और आरोपी के पिता का आरोप ये भी है कि मेरे दोनों बेटे को बिरहमी से पीटा गया और जबरदस्ती कबलवाया गया और साइन करवाया गया, यानी पुलिस वालों पे आरोप लगा रहे हैं आरोपी के पिता। और आरोपी के पिता का कहना ये भी है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ श्रेया के सहेली के माँ का ब्यूटी पार्लर का फोटो, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। और इसी के बगल में ब्लू चंदा होटल है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। और ब्लू चंदा ब्यूटी पार्लर का भी नाम है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि इस मामले में शायद इन दोनों का कनेक्शन भी था। बाकी ये सब मामला न्यायालय में चला गया है, अब न्यायालय ही फैसला करेगा। न्यायालय जो भी फैसला करेगा सबको मानना पड़ेगा। बाकी मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, दोषी बचे न, निर्दोष फंसे न। और ये बात भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने भी बोला था। हाँ तो दोस्तों, ये रहा अपडेट। आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।